गाइस तो ए वर्ड लिखने के लिए आपने अपने माइक का टक वाला साइड लेफ्ट साइड पे करना है, तो इसे सिंपल लेफ्ट साइड से कान से लेकर नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक हार्ट ड्रा करना है आपने, और अब फुल माइक यूज़ करते हुए, फुल टक यूज़ करते हुए नीचे की तरफ ड्रा, और यहाँ से आपने इसको ये स्टाइल दे लेना है। अब इसे कर्सिव राइटिंग में लिखने के लिए सेम जैसे कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, तो ये फुल माइक का यूज़ करके हमें लेफ्ट साइड पर लेके आना है, ऐसे गुलाई दे के यहाँ पे डार्क में डाल देना है, और इसको आपने ऐसे फुल माइक का यूज़ कर लें, ये गुलाई दे के ऐसे कर्सिव राइटिंग। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दें। बी लिखने के लिए आपने फुल माइक को यूज़ करना है, फुल माइक को यहाँ से लेके नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, यहाँ से आपने बी ड्रा कर लेना। सो सिंपल इन माई स्टाइल आपने फुल माइक को यूज़ करना है, यहाँ पे एक हार्ट ड्रा करना है, यहाँ से स्टार्ट करके इस बी को कंप्लीट कर देना। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी वर्ड लिखने के लिए आपने जो टक वाला माइक है इसको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, कान से इसको स्टार लेके यहाँ से छः में, यहाँ से और सिंपल स्टाइल में लिखने के लिए यस। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सी वर्ड लिखने के लिए आपने सेम अपने टक वाले माइक का लेफ्ट साइड जो ऊपर करना है उसको इससे स्टार्ट करना है, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ लेके आना है, और इसे फुल माइक यूज़ करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है और इन साइड पे ख़त्म कर देना। ये कैसे राइटिंग स्टाइल, सिंपल राइटिंग स्टाइल में यहाँ से आपने नीचे की तरफ लेके आना है और फुल माइक यूज़ करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। सो सिंपल, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डी वर्ड लिखने के लिए आपने लेफ्ट कॉर्नर को से स्टार्ट करना है, टक वाले माइक से नीचे की तरफ फुल माइक यूज़ करते हुए नीचे से, यहाँ से आपने गुलाई दे के इसके अंदर की तरफ और डी की मुकम्मल शेप आपने फुल माइक यूज़ करते हुए ऐसे ड्रा कर देना। इन माई स्टाइल लिखने के लिए आपने फुल माइक यूज़ करके नीचे की तरफ लेके आना है, यहाँ पे हार्ड ड्रा करना है और ये फुल माइक यूज़ करते हुए इसकी गुलाई दे देना। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल विज़िट करें। ई वर्ड लिखने के लिए आपने चैनल अपने माइक के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें नीचे की तरफ, इसके फुल माइक यूज़ करें यहाँ से नीचे की तरफ, ये आपने ई ड्रा कर दिया। अब सिंपल कर्सिव राइटिंग स्टाइल में ये आपका कर्सिव राइटिंग स्टाइल हो गया। अब मैं इन माई स्टाइल यहाँ पे हार्ड ड्रा करें, ये ऐसे स्लाइड दें, इसको भी दें और ये इन माई स्टाइल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एफ ड्रा करने के लिए आपने लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, राइट की तरफ लेके आना है, यहाँ से नीचे फुल माइक इसको साइड करना है जैसे आप जी लिखते हैं, और यहाँ से आपने इसको ड्रा कर देना ये एफ है, और इन माई स्टाइल लिखने के लिए आपने यहाँ से फुल माइक यूज़ करके नीचे एक हार्ड ड्रा करना है, इसको यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ जाके इन साइड क्लिक कर देना है, ये भी इन साइड क्लिक कर देना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी वर्ड लिखने के लिए हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, कॉर्नर से स्टार्ट करके यहाँ से फुल माइक यूज़ करते हुए नीचे तक गुलाई देनी है, यहाँ से ऊपर और ये हलवा के इन साइड को ख़त्म कर देना है। और सिंपल लिखने के लिए ये जी आपने सी टाइप लिखना है, यहाँ से फुल माइक इन साइड और यहाँ से आई टाइप शेप ले देनी है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एच लिखने के लिए आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, माइक का लेफ्ट कॉर्नर यूज़ करके इनसाइड की तरफ लेके आना है, यहाँ से फुल माइक यूज़ करते हुए नीचे की तरफ ड्रा करना है, यहाँ से गुलाई दे के आपने एच की दूसरी शेप यानी कि दूसरी लेग पे चले जाना, गुलाई दे के यहाँ से फुल माइक यूज़ करके इसको फिनिश कर देना है। इन माई स्टाइल लिखने के लिए यहाँ पर आपने हार्ड ड्रा कर लेना है इसको नीचे की तरफ, और सेम बाकी ये आप यहाँ पर भी एक और हार्ड ड्रा कर सकते हैं और ये इस शेयर में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल विज़िट करें। आई वर्ड ड्रा करने के लिए आपने लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेना, कलम के नॉक कॉर्नर से यानी कि लेफ्ट कॉर्नर से गुलाई में दे के ऊपर की तरफ फुल माइक यूज़ करके इन साइड को गुलाई दे देनी। अब इसको यहाँ पर कॉर्नर भी बना सकते हैं, मतलब जैसे कि फोर लिखते हैं, ये गुलाई दे दें। सिंपल आई आपने ये इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं,
और हार्ट स्टाइल में लिखने के लिए आपने यहाँ पे आके नीचे एक हार्ट बना देना। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केवर लिखने के लिए आपने लेफ्ट माइकर के लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इनसाइड लाना है, यहाँ से फुल माइकर यूज़ करके नीचे की तरफ इसे गुलाई दे के ये ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ से इसके नीचे ले आना है। इसे आप कसरेटिंग स्टाइल में सेम ऐसे ही लिख सकते हैं ये चीज़, और यहाँ से आप यूज़ करके यहाँ पर गुलाई दे के नीचे और ये स्टाइल। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए, एडिटिंग सीखने के लिए चैनल पे विज़िट करें। एल्बो लिखने के लिए आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर लेना है, इसे गुलाई दे के ऊपर से ला के नीचे, यहाँ से सेम गुलाई दे के आप इसको ऐसे ही माइकर को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मज़ीद आपने ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं तो यहाँ से माइकर का चेंज करके फुल माइकर यूज़ करके ऐसे लेफ्ट वाला। ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद राइटिंग सीखने के लिए चैनल विज़िट करें। एम लिखने के लिए आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल माइकर के कॉर्नर से स्टार्ट करके फुल माइकर यूज़ करके ऊपर की तरफ, और फिर फुल माइकर यूज़ करके नीचे, और हाफ माइकर यूज़ करके फुल माइकर यूज़ करके इसको ऐसे फिनिश दे सकते हैं। हार्ट राइटिंग स्टाइल में लिखने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ लेके आएँ, फुल माइकर यूज़ करके एक हार्ड डार्क आएँ, यहाँ से आपने कलम माइकर का नोक यूज़ करके और ये फुल माइकर यूज़ करनी है, और यहाँ पे आके फुल माइकर यूज़ करके इसको फिनिश कर देना है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड ऑफ करने के लिए आपने सेम एम की तरह नीचे स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से फुल माइकर यूज़ करके ड्रा करके, और ये भी फुल माइकर यूज़ करके इसे ड्रा कर देना है। हार्ट राइटिंग स्टाइल में लिखने के लिए यहाँ से फुल माइकर यूज़ करके लाएँ, नीचे एक हार्ड ड्रा करें, इसके बाद इसे यहाँ से लेफ्ट माइकर से लेफ्ट से स्टार्ट करके फुल माइकर यूज़ करके नीचे की तरफ, और ये यहाँ पे ये ड्रा कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद राइटिंग सीखने के लिए चैनल को विज़िट करें। ओ लिखने के लिए आपने यहाँ से लेफ्ट से माइकर स्टार्ट करके पूरा माइकर राइट से लेफ्ट की तरफ ला के फिर सेम फुल माइकर यूज़ करके खुले जा के यहाँ से गुलाई दे देनी। आप इसको मज़ीद भी गुलाई दे सकते हैं कैसे राइटिंग स्टाइल में, और हार्ट राइटिंग स्टाइल में लिखने यहाँ से सेम स्टार्ट करना है, और यहाँ से ऊपर ले जा के इसके नीचे एक हार्ट शेप ड्रा कर देनी है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियो देखने और राइटिंग सीखने के लिए चैनल विज़िट करें। फीवर लिखने के लिए आपने यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है, ऊपर से यहाँ से नीचे की तरफ ला के फुल माइकर यूज़ करें, और यहाँ से ऊपर ले जा के पी का गुलाई ऐड कर दें। इन हार्ट राइटिंग स्टाइल लिखने के लिए आपने फुल माइकर यूज़ करके नीचे लेके आना है, यहाँ पे एक हार्ट शेप ड्रा करें, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करें पीछे से, और इसको यहाँ पर फिनिश कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद राइटिंग वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पे विज़िट करें। क्यू लिखने के लिए आपने लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, यहाँ से फुल माइकर यूज़ करके नीचे की तरफ फुल शेप ऊपर, और यहाँ से इसको ये शेप दे दें, और यहाँ से स्टार्ट करके ये इसकी क्यू की शेप ड्रा कर दें। एंड अदर स्टाइल लिखने के लिए हार्ट राइटिंग सेम ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक हार्ट ड्रा कर दें, और इसके नीचे से ये उल्टी मद्दा टाइप आपने वर्ड लिख देना है। ये सिंपल अब सिंपल भी लिखने के लिए आप ये चीज़ क्यू की यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वर्ड लिखने के लिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, फुल माइकर यूज़ करके नीचे की तरफ लेके आएँ, यहाँ से सेम ऊपर जैसे आपने पी लिखा था गुलाई दें, यहाँ से गुलाई दे के नीचे की तरफ और स्टाइल। हार्ट राइटिंग स्टाइल में लिखने के लिए फुल माइकर यूज़ करके नीचे लाएँ, हार्ट डार्क करें, यहाँ से स्टार्ट करके सेम ऐसी गुलाई दे के सेम हार्ट डार्क कर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद राइटिंग सीखनी है तो चैनल पर विज़िट करें। ऐसे लिखने के लिए इनकर्सिव स्टाइल, यहाँ से नीचे से आपने स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से आपने एस शेप में ही सेम ड्रा करके नीचे ला के, जैसे आपने स्मॉल राइटिंग में लिखा था एस सेम वैसे ही आप वैसे लिखते हैं। और सिंपल हार्ट राइटिंग स्टाइल में लिखने के लिए यहाँ से आपने एस को स्टार्ट करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक हार्ट शेप ड्रा कर देना है, तो यहाँ से नीचे ला के ऐसे स्टाइल बना देना है। वीडियो को लाइक करें। मज़ीद राइटिंग वीडियो सीखने के लिए चैनल पर विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। टी लिखने के लिए इनकर्सिव स्टाइल, यहाँ से आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, फुल माइकर यूज़ करके इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, यहाँ से हल्का सा टर्न दे के ये आपका कर्सिव राइटिंग स्टाइल।
टी है और सिंपल टी जो हम हार्ड राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं, यहाँ से नीचे और ला के एक हार्ड ड्रा करना है और यहाँ से स्टार्ट करके फुल मार्क यूज़ करके ऐसे ड्रा कर देना। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आप राइटिंग सीखना चाहते हैं, राइटिंग के फैन हैं तो चैनल को विज़िट करें। यू लिखने के लिए आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से नीचे लाएँ फुल मार्क यूज़ करें, गुलाई दे के ऊपर की तरफ फुल मार्क नीचे ला के यह हमने टर्न दे देना यू स्टाइल। और यू इन हार्ड राइटिंग स्टाइल यहाँ पे आपने एक हार्ड ड्रा शेप ड्रा कर लेनी है, नीचे की तरफ लेके आना है, यहाँ से ऊपर ले जाके ये हमने शेप ड्रा कर देना। वीडियो को लाइक कर दें और राइटिंग सीखनी है तो आप चैनल को विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मज़ीद वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच। वी लिखने हमने लेफ्ट कॉलम के लेफ्ट से स्टार्ट करना है। वी लिखने के लिए यहाँ से आप स्टार्ट करके लेके आए नीचे की तरफ, इसको लेफ्ट से ड्रा करके ये ड्रा कर दें। इन कसी राइटिंग स्टाइल यहाँ पे आपने स्टार्ट में एक हार्ड ड्रा कर लेना है नीचे की तरफ, ये शेप दे के इसे ऊपर की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। डब्ल्यू लिखने के लिए आपने अपने मार्कर टक को लेफ्ट से स्टार्ट करना है, यहाँ से नीचे की तरफ गुलाई, हल्की सी गुलाई दे के फुल मार्कर यूज़ करके नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर हाफ कलम हाफ टक, यहाँ से फुल टक और नीचे ला के आपने लेफ्ट पे फिर ऊपर करके फिनिश कर देना। हार्ड राइटिंग स्टाइल में लिखने के लिए आपने स्टार्ट में ही हार्ड ड्रा कर लेना है, नीचे की तरफ लेके आना है, ऊपर पीछे और सेम ये शेप, जस्ट हार्ड का डिफरेंस है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्स लिखने के लिए हमने एक पहले स्टार्ट में उल्टा एक सी वर्ड लिख लेना फुल मार्क यूज़ करके, सेम ऐसे शेप इधर से एक सीधा सामने सी ऐड कर देना है। और एक ये स्टाइल में आप लिख सकते हैं यहाँ से क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वाई लिखने के लिए आपने लेफ्ट से कॉर्नर के कलम के नोक से स्टार्ट करना है, गुलाई में नीचे की तरफ लेके आना है, ये ऊपर और फिर नीचे ला के यहाँ से गुलाई दे देना। इन हार्ड रनिंग स्टाइल यहाँ पे आपने स्टार्ट में एक हार्ड ड्रा करके नीचे की तरफ माइकर लेके आना है, यहाँ से फुल माइकर यूज़ करके राइट में आपने गुलाई बना देना है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू वेरी मच। जीरो ड्रा करने के लिए आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, गुलाई इसे सीधा राइट पे लेके आना है, यहाँ से फ्लो मार्क यूज़ करके एक तीछे लाइन नीचे की तरफ और यहाँ से ड्रा करके इसे एज ए सिंपल ड्रा कर देना है। इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ गुलाई दे दें और हार्ड शेप में ड्रा करने के लिए सेम यही, यहाँ पे एक हार्ड ड्रा कर दें, इसे नीचे मार्क को लाएँ, यहाँ से पकड़ के इसे ऐसे ड्रा कर दें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।